हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। प्लीज लेट मी नो, आई एम ऑडिबल एज वेल एज विजिबल। फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। आज आपका 5 मिनट्स लेट हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, एक बार कंफर्म कर दीजिए, देन विल स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रोहित। गुड मॉर्निंग पूनम। हाँ जी, जस्ट कंफर्म मी वंस, देन विल स्टार्ट दी सेशन। आज के सेशन में आपके 15 क्वेश्चंस होंगे, अगेन दैट विल बी रिलेटेड टू साइंस, और आज का सेशन विल बी मोस्टली रिलेटेड टू बायोलॉजी सेक्शन। हाँ जी, ओके, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। अगेन आप देख सकते हैं हमारे फ्री इनिशिएटिव्स। अब हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे। ऐसे ही आपके मेंस करंट अफेयर्स का सेशन चलता है, दैट इज एट 2:15। डेली करंट अफेयर्स जो कि आपके पेपर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एट 6:15। राइट, ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ए दैट इज वेन, बी आर्टरी, सी कैपिलरी, और इज इट डी नर्व। हाँ जी, आंसर्स प्लीज। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगेन देखिए, 10th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। हाँ जी, एग्जैक्टली, यस, एवरीवन इज करेक्ट है, वेरी गुड। देखिए, दो चीजें होती हैं। अगर हम नॉर्मल आर्टरी की बात करते हैं तो वो क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हम नॉर्मल वेन की बात करते हैं तो वो क्या कैरी करती है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन आपके पास दो स्पेशल टाइप ऑफ, एक आर्टरी होती है और एक वेन होती है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। अगर हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं तो वो इकलौती आर्टरी है जो क्या कैरी करती है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से? हार्ट से लंग्स तक। राइट, ऑन द अदर हैंड, अगर हम पल्मोनरी वेन की बात करते हैं, जनरली वेन क्या कैरी करती है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन अगर मैं पल्मोनरी वेन की बात करती हूं तो पल्मोनरी वेन क्या कैरी करती है? दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से? लंग से लेकर हार्ट तक। So, यहां पर आंसर क्या बन जाता है? दैट इज बी। सो आर्टरी आपको देखने को मिलती है। सो अगेन आप यहां पर देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। सो अगर पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं, कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। ऐसे ही आपके पास पल्मोनरी वेन देखने को मिलती है, ट्रांसफर्स द ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। राइट, हां जी, एग्जैक्टली, हां जी मोनिका। ओके, लेट्स मूव फर्दर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आपके पास ऑप्शंस है थायमिन, बी राइबोफ्लाविन, सी फॉलिक एसिड, और इज द डी अस्कॉर्बिक एसिड। देखिए, जब भी आपकी बॉडी में कोई कमजोरी होती है, लथार्जी फील होती है आपको, तो आपको डॉक्टर हमेशा क्या प्रिस्क्राइब करता है कि आप बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल्स ले लीजिए। अब वो बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आपके पास विटामिन्स होते हैं वो आपसे पूछा गया है। सो ऑड वन आउट आपको बताना है, इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है? हाँ जी, आंसर्स प्लीज। यस, एग्जैक्टली, एवरीवन इज करेक्ट हियर, वेरी गुड। सो आंसर यहां पर बन जाता है, दैट इज अस्कॉर्बिक एसिड। सो अगर हम यहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स में ना ये सारे बी के जो कंपाउंड्स हैं आपको देखने को मिलते हैं। अगर बी वन की बात करते हैं उसको थायमिन बोलते हैं, बी टू की बात करते हैं राइबोफ्लाविन, बी थ्री की बात करते हैं नियासिन, बी फाइव की बात करते हैं पैंटोथेनिक एसिड। देखो, जो पैंटोथेनिक एसिड होता है, जनरली जब आपके बाल झड़ते हैं तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देता है कि आप पैंटोथेनेट ले लीजिए, कैल्शियम पैंटोथेनेट कहते हैं उसको। सो कैल्शियम पैंटोथेनेट, जो पैंटोथेनिक एसिड है वो क्या है? दैट इज बी फाइव। ठीक है, सो ऐसे ही B6 जो है पिरिडॉक्सिन होता है, B7 बायोटिन होता है, B9 फोलेट, और B12 इज कोबाल्मिन। अब देखिए, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बताइए हम B2 को क्या बोलते हैं। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए राइबोफ्लाविन। ऐसे ही अगर आप B12 पूछा जाए तो क्या होता है? दैट इज कोबाल्मिन। राइट, सो ये सारे ही क्या है? दीज आर बी कॉम्प्लेक्स। राइट, हां जी, ओके। सी के लिए दिया हुआ है, दैट इज अस्कॉर्बिक एसिड, इसीलिए दिस वाज ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर? ए कैपिलरीज, बी आर्टरियोल्स, सी वेन्यूल्स, और इज इट डी लिम्फैटिक।
कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जिनका स्मॉलेस्ट डायमीटर देखने को मिलता है। अगेन देखिए, इतने सारे फैक्ट्स तो आप याद नहीं रख सकते हैं, अगेन आपसे इतना ज्यादा फैक्ट पूछा भी नहीं जाएगा कि आप बताइए कि डायमीटर कितना होता है, बट आपसे कंपैरेटिव स्टडी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा डायमीटर किसका होता है। अगेन अगर आपको नहीं भी पता, अगर आपको बेसिक्स भी पता है ना, तो भी आप ये क्वेश्चन इजिली कर पाएंगे। हाँ जी, यस एग्जैक्टली, एवरी वन इज करेक्ट है। किरण बी कह रही है, बट यहाँ पर आंसर क्या है, दैट इज ए, कैलोरीज। अगेन आप इस डायग्राम से जज कर सकते हैं, देखो आर्टियोल्स भी छोटे होते हैं लेकिन कैपिलरी का डायमीटर आपको देखने को मिलता है, इट इज द स्मॉलेस्ट। अगेन यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर द फैक्ट्स, बट आपको एक कंपैरेटिव स्टडी पता होनी चाहिए कि सबसे छोटा डायमीटर किसका है, सबसे लार्जेस्ट डायमीटर किसका है, दैट इज आयोटा। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, सबसे छोटा वाला याद रख लीजिए और सबसे बड़ा वाला याद रख लीजिए, डन। हाँ जी, आयोटा इज मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। This is a yellow dust that comes away on the fingers whenever we touch the middle of the flower. These tiny yellow grains are one of the most precious substances in nature because they contain the secret of plant life. What is this dust called? A. Pollen, B. Sperm, C. Spore or D. Sporocyst. हाँ जी, answers please. Again, आपसे question पूछा है कि जब भी आप middle of the plant को छूते हैं, flower को छूते हैं, तो जब आप अपने हाथ को देखते हैं तो हाथ में ना आपको येलो डस्ट देखने को मिलती है। वो येलो डस्ट क्या होती है, वो इतनी ज्यादा एसेंशियल है कि उससे प्लांट लाइफ, इट इज नोन एज द सीक्रेट ऑफ प्लांट लाइफ। सो ये क्या है, ये पूछा गया है। यस एग्जैक्टली, एवरीवन इज करेक्ट है। सो आंसर यहाँ पर क्या है, दैट इज पॉलन। अब पॉलन क्या है, ये क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स मेल गैमेट। So, यहाँ पर जब भी फर्टिलाइजेशन होगी, डायगोट फॉर्मेशन होगी, उसके लिए आपको क्या चाहिए, मेल गमीट एंड फीमेल गमीट। सो पॉलन्स में आपको कौन से देखने को मिलते हैं, मेल गमीट्स। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पॉलन ग्रेन्स हैं, दे रिप्रेजेंट द मेल पोर्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन प्लांट्स एंड ट्रीज। दैट इज वाई जो प्लांट लाइफ का साइकिल है उसको मेंटेन करने के लिए जो पॉलन्स हैं, दैट बिकम्स वेरी वेरी एसेंशियल, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस फ्लूइड नोन एज बाइल, ए लिवर, बी पैंक्रियास, सी गॉल ब्लैडर और इज डी किडनी। हाँ जी, आंसर्स प्लीज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन देखिए, बाइल जूस के बारे में हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपने पढ़ा है तो बाइल जूस के बारे में आपने बार बार पढ़ा होगा। हाँ जी, आंसर्स ऑलमोस्ट एवरी वन इज करेक्ट एक्सेप्ट ट्रेवल टर्मिनेटर्स, बाकी सारे ही करेक्ट है। देखिए, आंसर बन जाता है आपका लिवर। सो लिवर क्या सिक्रीट करता है, दैट इज बाइल जूस। अब देखिए, जो बाइल जूस है वो सिक्रीट कहाँ होता है, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, ये किस लिए यूज होता है, फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। अब इसको, इस प्रोसीजर को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। क्या कहा जाता है, इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, जब उनपे बाइल जूस एक्ट करता है, ये बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में, राइट। सो ये जो लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, किसकी वजह से, बाइल जूस की वजह से। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फैट इमल्सिफिकेशन। क्या कहा जाता है, फैट इमल्सिफिकेशन, राइट। सो इट इज लिवर, डन। सो आप देख सकते हैं, द कॉमन बाइल डक्ट ओरिजिनेट्स इन द लिवर एंड द गॉल ब्लैडर एंड प्रोड्यूसेस अनदर इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस व्हिच इज नोन एज बाइल। सो बाइल प्लस पैंक्रियाटिक जूसेस जो मिक्स करके, जब मिक्सचर हो जाता है, तो यहाँ पर डाइजेशन किस किस की होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की, डन। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following hormones is a steroid? A. Estrogen, B. Glucagon, C. Insulin, or is it D. Oxytocin? हाँ जी, answers please. हाँ जी, answers please. बहुत ही simple सा question है, again. Factual question है, इसकी कोई explanation नहीं है. हाँ जी, सोनालिका सेज ए, यस एग्जैक्टली। आंसर यहाँ पर क्या बन जाता है आपका, दैट इज ए, ईस्ट्रोजन इज अ
स्टेरॉइड. अगेन जिसको आता था वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता प्लीज याद कर लीजिए. डन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. हार्ट इज मेड अप ऑफ ए नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स, बी कार्डियक मसल्स, सी एडिपोज टिश्यू और इज डी स्ट्रिएटेड मसल्स. हाँ जी आंसर्स प्लीज. अगेन देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है. यहाँ पर तो हमने क्या पूछा है, एक ही स्टेटमेंट है, सिंपल सी स्टेटमेंट है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये मल्टी स्टेटमेंट भी बन सकता है कि बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनस्ट्रिएटेड एंड स्ट्रिएटेड मसल्स और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल्स. सो उसकी भी आपको टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए. अभी तो सिंपल है, देखिए अगर हार्ट की बात कर रहे हैं तो इट इज रिलेटेड टू कार्डियक मसल्स. सो आंसर यहाँ पर क्या बन जाता है, दैट इज बी. अब क्वेश्चन कहां से पूछ सकते हैं अगर उन्होंने इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना है. सो आपसे ना डिफरेंसेस पूछ सकते हैं या मल्टी स्टेटमेंट पूछ सकते हैं. सो यहां पर अगर हम स्ट्रिएटेड मसल्स की बात करते हैं, स्ट्रिएशंस का देखिए मतलब क्या होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी मसल है, तो मसल में ना क्या होगा, आपको ये डार्क एंड लाइट बैंड्स देखने को मिलते हैं. इन लाइट एंड डार्क बैंड्स को ही हम स्ट्रिएशंस कहते हैं. तो जो भी आपके वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, वॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, वो वॉलंटरी फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है, ये स्ट्रिएटेड मसल्स परफॉर्म करते हैं. अब स्ट्रिएटेड मसल्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि आपको ये सिलेंड्रिकल शेप में देखने को मिलेंगे, प्लस ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं. मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब क्या है, एक पीस ऑफ मसल में ही आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड. ऑन दी अदर हैंड अगर हम अनस्ट्रिएटेड मसल की बात करते हैं तो इसकी शेप ना स्पिंडल शेप होती है. स्पिंडल शेप ऐसी ऐसी देखने को मिलती है आपको, दिस इज स्पिंडल शेप. अब जो आपके अनस्ट्रिएटेड होते हैं और जो कार्डियक मसल्स हैं, ये दोनों ही यूनिन्यूक्लिएट होते हैं. क्या होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट. यूनिन्यूक्लिएट का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है. सो जो कार्डियक मसल्स हैं वो सिर्फ कहां पर पाए जाते हैं, दैट इज इन द हार्ट. ऑन द अदर हैंड अगर आप अनस्ट्रिएटेड मसल्स की बात करते हैं तो ये सारे इनवॉलंटरी फंक्शंस जो भी होते हैं वहां पर कौन से मसल्स यूटिलाइज होते हैं, दैट इज अनस्ट्रिएटेड मसल्स, जिनको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स. ठीक है, सो कंफ्यूज मत होइएगा. अगेन आपसे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मल्टी स्टेटमेंट हो सकते हैं. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन दी ए माउथ, बी स्टमक, सी ड्यूडेनम और इज इट डी इंटेस्टाइन. हां जी आंसर्स प्लीज. अगेन देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको डाइजेस्टिव प्रोसेस अच्छे से याद है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे. हां जी ओके. ए और बी में कंफ्यूजन हो रही है आई गेस. ओके लेट्स सी द आंसर. आंसर बन जाता है आपका बी, दैट इज स्टमक. देखिए स्टमक में आपको क्या देखने को मिलते हैं, कुछ आपको जूसेस देखने को मिलते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं. क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस. सो गैस्ट्रिक जूसेस वहीं से आपके प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है. सपोजिटली क्वेश्चन होता कि बताइए जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है वो कहां से स्टार्ट होती है, तो हम आंसर क्या देते, माउथ. ठीक है, क्योंकि आपके पास आपके माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा. वो कहां से सिक्रीट होता है, वो सिक्रीट कौन सा एंजाइम करता है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज. वो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन शुरू कर देता है. सो अगर कार्बोहाइड्रेट्स का पूछा जाता तो आंसर क्या बन जाता है, माउथ. लेकिन अगर मैं प्रोटीन्स की बात करती हूँ जिसमें हम गैस्ट्रिक जूसेस की बात करते हैं, वो गैस्ट्रिक जूसेस क्या करते हैं, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स. सो आंसर क्या बन जाता है, स्टमक. सो स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है. ठीक है, सो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए. हाँ जी ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. हेपेटाइटिस इज अ जनरल टर्म फॉर अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी पैरासाइट और इज इट डी ऑल ऑफ द अबव. अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, प्लीज आंसर इट. हाँ जी एग्जैक्टली, एवरीवन अगेन इज करेक्ट है. सो अगर हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो ये क्या है, एक वायरल डिजीज है. अब देखिए ये सिंपल है क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ पॉजिटिव एजेंट पूछा है, सो आंसर क्या बन जाता है, ए. लेकिन ये मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन भी बन सकता है. सो आप देख सकते हैं हेपेटाइटिस आपको बहुत प्रकार के देखने को मिलते हैं, ए बी सी डी एंड ई. अगर हम बी सी डी की बात करते हैं तो इसके लिए आपको वैक्सीनेशन, जो क्रॉनिक इन्फेक्शन है, ये क्रॉनिक इन्फेक्शन में आपको देखने को मिलता है. प्लस अगर हम यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात करते हैं
तो हेपेटाइटिस बी के लिए आपको क्या लगती है? वैक्सीनेशन लगती है. तो वैक्सीनेशन किसके लिए पॉसिबल है? हेपेटाइटिस बी के लिए, राइट. ऑन द अदर हैंड अगर हम हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं, तो यहाँ पर जब भी आप कंटामिनेटेड फूड या वाटर को डाइजेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो उसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है. ऑन द अदर हैंड अगर हम बी सी डी की बात करते हैं, जो ट्रांसमिशन है, इट इज ओनली पॉसिबल बाय ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन. Until unless वो नहीं है, तब तक ये ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा. डन? हाँ जी, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम. सो आपके पास ऑप्शंस हैं, ग्राउंड नट, बी सोयाबीन, सी एप्पल, और इज इट डी वीट. अगेन एलिमिनेशन से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं इजिली. हाँ जी, सी पर रिसर्च चल रही है. यस, एग्जैक्टली. ओके, बी. यस, एग्जैक्टली. आंसर यहाँ पर क्या बन जाता है? दैट इज सोयाबीन. बहुत ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन कंटेंट की बात कर रहे हैं. सो एप्पल और वीट तो नहीं हो सकता. वीट किसका है? सोर्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स का. सो अगेन सोर्स रिच अगेन क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. आई गेस 6th या 7th क्लास की एनसीईआरटी में आपसे ये क्वेश्चन होगा, आपकी एनसीईआरटी में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following defense of the human body against bacteria? So, आपके defense क्या है? अगर आपकी body में bacteria present है, तो उसका defense mechanism हमारी body क्या करती है? A. Hemoglobin, B. Phagocytes, C. Red blood cells, or is it D. Blood platelets? Which of the following is the defense of the human body against bacteria? हाँ जी, आंसर्स प्लीज. यस, एग्जैक्टली. हाँ जी, जिन्होंने भी फैगोसाइट्स बोला है, दैट इज करेक्ट. सो आंसर यहां पर क्या बन जाता है? दैट इज बी. अब देखिए यहां पर क्या डिफरेंस हो सकता है. अगेन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को टफ बनाना हो, तो वो आपसे मल्टी स्टेटमेंट्स पूछ सकते हैं, जहां पर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाएगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स? सो यहां पर आपसे पूछ सकते हैं, अगर लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो एक्चुअली में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जनरेट करता है, नंबर वन. नंबर टू, अगर मैं फैगोसाइट्स की बात करती हूं, देखो फैगोसाइट्स क्या है? दे आर दी सेल्स दैट इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन पार्टिकल. अब बैक्टीरिया क्या है? हमारी बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल है. तो यहां पर क्या है, डाइजेशन में या इंजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है? दैट इज फैगोसाइट. सो कोई भी आपका सेल डेब्री हो, या फिर कोई फॉरेन बॉडी जो आपकी बॉडी में आ चुकी है, उसके लिए क्या यूटिलाइज होता है? दैट इज फैगोसाइट्स. ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, राइट. हां जी, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे डेफिनेशन पूछी है. ए, इट इज द प्रेशर दैट द ब्लड क्लॉट एग्जर्ट्स ओवर द ब्रेन. B, it is the pressure that the blood receives on account of faulty commands from the brain. C, it is the pressure that fatness or old age exerts on the body's circulatory system. D, it is the amount of pressure on the blood as a result of heart's pumping function and the resistance of arterial walls. हाँ जी, yes, exactly. Everyone is correct here. Very good. So answer यहाँ पर क्या बन जाता है? That is D. देखिए ब्लड प्रेशर क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको पता है हमारा एटमॉस्फेयर भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है. सो मान लीजिए ये आप हैं, आपके सर के ऊपर इस टाइम कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है? दैट इज 10^5 एटमॉस्फेयर, है ना. तो इतना ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है. सो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी तो ऐसे सर्वाइव ही नहीं कर पाती. तो इसीलिए भगवान ने हमारे को क्या दिया है? दैट इज ब्लड प्रेशर. जो ब्लड प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करता है? काउंटर करता है, राइट. सो ब्लड प्रेशर क्या है? जब भी आपका हार्ट पंप करता है, तो उस पंपिंग फंक्शन की वजह से आपको ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है. अगेन अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो कि क्वेश्चन पहले फ्रेम भी हुआ है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है आपके एचएएस का, जहां पर आपसे डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में डिफरेंस पूछा गया है. सो अगर हम यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, सो क्या है? प्रेशर एग्जर्टेड व्हेन ब्लड इज इजेक्टेड इनटू द आर्टरीज. ऑन द अदर हैंड अगर हम डायस्टोलिक प्रेशर की बात करते हैं, सो इट द प्रेशर ब्लड एग्जर्ट्स विद इन आर्टरीज बिटवीन हार्ट ब्रेक्स. सो यहाँ पर आपको हार्ट बीट्स के बीच में जो पंपिंग देखने को मिलती है,
वो क्या है, दैट इज डायस्टोलिक। और सिस्टोलिक क्या है, जब भी आपका ब्लड इजेक्ट होता है इनटू द आर्टरीज, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो नॉर्मल रेंज क्या है, 120/80, याद रखना है। हाँ जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू ह्यूमन न्यूट्रिशन। फर्स्ट स्टेटमेंट है विटामिन ए, सेकंड विटामिन B2, थर्ड विटामिन ई। आपको बताना है फॉर विच ऑफ दीज आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रिच सोर्सेज। आपके पास ऑप्शंस है 1 and 2, 2 only, 1 and 3, और इज डी 1, 2 and 3। हाँ जी, फैट मैनोमीटर, ये आपको याद रखना है, इट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। यस एग्जैक्टली, हाँ जी, ओके, आंसर प्लीज बताइए, ए सी, ओके। देखो, हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, तो इसका मतलब क्या है, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, जो भी मिनरल्स हैं, विटामिंस हैं, वो सारे ही एसेंशियल हैं हमारी बॉडी के लिए। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपको ये सारे ही देखने को मिलते हैं, चाहे फिर विटामिन ए की बात कर लो, विटामिन B2 की बात कर लो, विटामिन ई की बात कर लो। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाता है, दैट इज डी, 1, 2, 3, सारे ही विटामिंस आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक वेजिटेबल नहीं दे रखी, आपको ये बोला है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपको कौन कौन से विटामिंस देखने को मिलेंगे, सो ये आपको सारे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई स्पेसिफिक होता तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें विटामिन B2 नहीं होगा या इसमें विटामिन ई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जनरल कैटेगराइज किया गया है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में बात करें तो सारे ही यहाँ पर आंसर है। ठीक है, 1, 2, 3 सारा ही है डी, हाँ जी, एवरीथिंग इन ग्रीन, यस एग्जैक्टली। प्लस आपको एग्जैक्ट देखना है तो आप देख सकते हो, जैसे अगर हम विटामिन डी की बात करते हैं तो मशरूम सप्लीमेंट्स अगर लेते हो तो उसमें आपको देखने को मिलता है, विटामिन B12 की बात करते हैं तो फोर्टिफाइड फूड्स में आपको देखने को मिलता है, ऐसे विटामिन B3 की बात करते हैं ब्राउन राइस पीनट्स वगैरह में देखने को मिलता है। अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं, मेजर सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा सोर्स किस विटामिन के लिए रिच है। हाँ जी, हाँ जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द बॉडी इज प्राइमरली अटैक्ड बाय HIV, ए कार्डियोवास्कुलर, बी इम्यून, सी रेस्पिरेटरी, और इज इट डी रिप्रोडक्टिव। हाँ जी, आंसर्स प्लीज। यस एग्जैक्टली, एवरीवन इज करेक्ट हियर। अगेन देखिए, ये किसको अटैक करता है, आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। अब दो चीजें हैं, एक HIV है, एक एड्स है, लेकिन अगर हम HIV की बात करते हैं वो क्या है, वायरस है जो आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। HIV की वजह से जो डिजीज होता है, माल फंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं एड्स। सो आप देख सकते हैं, अगर हम HIV की बात करते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सो ये वायरस है जो आपके इम्यून सिस्टम को वीकन करता है, अटैक करता है। इसकी वजह से जो मेडिकल कंडीशन होती है, डिजीज होती है, वो क्या है, दैट इज एड्स। एड्स इज अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होइएगा, HIV क्या है, वायरस है जिसकी वजह से डिजीज कौन सी होती है, दैट इज एड्स। ठीक है, तो ये करता क्या है, आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। डन, हाँ जी, ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज द सुइसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, ए राइबोसोम्स, बी गोल्जी बॉडीज, सी लाइसोसोम्स, और इज इट डी न्यूक्लियोलाई। हाँ जी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन ये सभी का करेक्ट होना चाहिए। हम बहुत बारी इसको 10 MCQ सीरीज में भी कर चुके हैं, हम इसको रिविजन सीरीज में भी कर चुके हैं, बहुत बारी कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली, एवरीवन इज करेक्ट है। सो आंसर यहां पर क्या बन जाता है, लाइसोसोम्स। सो लाइसोसोम्स में आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। सो अगर सेल भी डैमेज हो चुका है, ये अपने सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सुइसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। सो आप यहां पर देख सकते हैं, दे ऑल्सो डाइजेस्ट द सेल्स इन विच दे आर प्रेजेंट, जिसको हम ऑटोलिसिस कहते हैं, बाय देयर ओन एंजाइम्स। सो अगर सेल डैमेज हो चुका है तो वो अपने सेल को ही क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है,
जिस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोलिसिस, क्या कहा जाता है ऑटोलिसिस, राइट। सो दिस रिजल्ट्स इन दी सेल डेथ, हेंस लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज दी सुइसाइड बैग्स ऑफ दी सेल, राइट। सो दीज वर द 15 क्वेश्चंस, अगेन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, प्लस इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्यों, क्योंकि वहीं से आपके मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस निकलेंगे। क्वेश्चंस कभी भी टफ नहीं होते, तो ऑप्शंस, जो ऑप्शंस आपको दी जाती हैं वो ऑप्शंस उनको टफ बना देती हैं। तो यही क्वेश्चंस को हमने देखा, अगर तो सिंपल स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट है तो आपको ये क्वेश्चंस इजी लगते हैं, लेकिन वही अगर मल्टीपल स्टेटमेंट हो जाता तो यही क्वेश्चंस टफ हो जाते, राइट। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हाँ जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।